देखिए बेटा, ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका नाम है भौतिक जगत, इंग्लिश में इसको फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। और सबसे पहला पॉइंट है इसमें विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस, ठीक है। तो विज्ञान शब्द का अर्थ है विशेष ज्ञान, क्या अर्थ है इसका, विशेष ज्ञान, इसका अर्थ है, विज्ञान शब्द का अर्थ होता है विशेष ज्ञान अथवा व्यवस्थित व्यवस्थित ज्ञान अर्जित करना, व्यवस्थित ज्ञान अर्जित करना, ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। विज्ञान शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा होती है अलग, जैसे हिंदी भाषा इसी तरीके से लैटिन भाषा, इंग्लिश भाषा ऐसे, मतलब जो है और ही भाषा होती है, तो उसको कहते हैं लैटिन भाषा, लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया, साइंटिया ये शब्द है, साइंटिया से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, साइंटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ जिज्ञासा होता है, क्या होता है, जिज्ञासा, जिज्ञासा होता है। तो मैंने ये बताया कि विज्ञान शब्द का अर्थ है क्या है, विशेष ज्ञान, अथवा हम कह सकते हैं एक व्यवस्थित ज्ञान अर्जित करना, एक सिस्टमेटिक ज्ञान को इकट्ठा करना, ठीक है। विज्ञान शब्द किस भाषा के शब्द से मिलकर बना है, लैटिन भाषा के शब्द, साइंटिया ये शब्द है, साइंटिया से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिज्ञासा होता है, ठीक है। अब हम बात विज्ञान की परिभाषा की कर रहे हैं यहां पर, तो विज्ञान की जो परिभाषा है वो इस तरीके से दी जा सकती है, ठीक है। प्रायोगिक प्रेक्षणों, प्रायोगिक कौमा प्रेक्षणों, ग्रहों, ठीक है, कौमा तर्कों पर आधारित स्वव्यवस्थित ज्ञान को, स्व व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। विज्ञान की जो परिभाषा हुई वो प्रायोगिक, प्रायोगिक मतलब प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकल करते हैं इसमें विज्ञान के अंतर्गत। प्रेक्षण मतलब रीडिंग लेते हैं हम, ठीक है, ग्रहों का अध्ययन करते हैं, आप जानते हैं जितने भी ग्रहों हैं, और तर्कों पर आधारित, और उसके हम तर्क करते हैं कि ये कैसे है, क्या है, सूर्य की गति किस प्रकार है, ठीक है, चंद्रमा सूर्य स्थिर है अपनी जगह पर, ठीक है, और ग्रह किस प्रकार गति करते हैं सूर्य के चारों तरफ, ठीक है। तो ये स्वव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। अब विज्ञान कई प्रकार के होते हैं, जैसे विज्ञान की बात करें तो सबसे पहले ये है, जैसे भौतिक विज्ञान है, कौन सा है, भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ठीक है, जीव विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान आदि, ये सभी क्या है, विज्ञान के अंतर्गत होते हैं। तो ये भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है आदि है, खगोल विज्ञान है,
ठीक है, खगोल विज्ञान है, खगोल शास्त्र में उसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो यहाँ पर हम भौतिक विज्ञान को पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये विज्ञान के प्रकार बहुत से होते हैं, ये नहीं है कि साहब भूगर्भ विज्ञान भी होती है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सभी क्या है, विज्ञान के पार्ट्स होते हैं। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान इंग्लिश में इसको फिजिक्स ये कहते हैं। इसका जो अर्थ है वो किससे है, प्रकृति से, प्रकृति से होता है। ठीक है, भौतिक शब्द से भौतिकी, भौतिक शब्द से भौतिकी बना है। तो हमने कहा भौतिक विज्ञान का शब्द किससे अर्थ होता है, प्रकृति से होता है। ठीक है, और भौतिक शब्द से भौतिकी बना है। ठीक है, भौतिक शब्द से क्या बना है, भौतिकी बना है। ठीक है, भौतिक, भौतिकी को इंग्लिश, इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, एफ यू एस आई एस, फ्यूसिस, फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रकृति होता है, प्रकृति, नेचर, एन ए टी यू आर ई, नेचर होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, नेचर। तो मैंने आपको बताया कि भौतिक शब्द, भौतिकी, ये किससे बना है, प्रकृति से होता है इसका शब्द, और भौतिक शब्द से भौतिकी बना है। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द किससे हुआ है, क्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ प्रकृति या नेचर होता है। अब देखिए भौतिक विज्ञान की परिभाषा, यहां से भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत प्रकृति, जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। यहां लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान कहलाती है। ठीक है, तो ये भौतिक विज्ञान हो गई। प्राकृतिक घटनाओं, जैसे हम बात करें कि सूर्य का उदय होना एवं अस्त होना, ठीक है, ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। चंद्रग्रहण होना प्राकृतिक घटना है। सूर्य का उदय एवं अस्त होना क्या एक प्राकृतिक घटना, सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण होना, ठीक है, वर्षा होना, वर्षा होना, मौसम बदलना, मौसम बदलना, ये प्राकृतिक घटना है। ठीक है, सूर्य का उदय अस्त होना,
सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होना, वर्षा का होना, मौसम बदलना, ठीक है, साबुन के बुलबुले बनना, साबुन के घोल के बुलबुले बनना आदि प्राकृतिक घटनाएं हैं। ये कैसी घटना है? प्राकृतिक घटना है, तो प्रकृति से संबंध हो गया इसका, ठीक है ना। तो ये लिखा हमने भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है, ठीक है। सूर्य का उदय अस्त होना, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण होना, वर्षा होना, मौसम का बनना, साबुन के घोल के बुलबुले बनना आदि प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, ठीक है। तो इसकी हम मेन जो परिभाषा लिखने जा रहे हैं वो यहाँ पर विज्ञान भौतिक विज्ञान की परिभाषा लिख रहे हो, यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं इसको भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य एवं ऊर्जा से संबंधित उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है, भौतिक विज्ञान कहलाती है, ठीक है। ये स्थिति है इसकी, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य जानते हैं आप, द्रव और द्रव्य में दोनों में डिफरेंस होता है, द्रव्य होता है ठोस द्रव और गैस, ठीक है, और ऊर्जा एनर्जी हमारी ऊर्जा विशेष कई प्रकार की होती है, ठीक है। ऊर्जा एक ऊष्मा का रूप ही होता है, ठीक है। ऊर्जा हमारी जैसे प्रकाश ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा है, ठीक है, ध्वनि ऊर्जा है, बहुत प्रकार की ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा से संबंधित उनकी अन्योन्य क्रियाओं, तो ऊर्जा से कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, क्या हो रहा है ऊर्जा से संबंधित, उसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है, ठीक है। ये इसकी क्या हो गई, भौतिक विज्ञान की एक डेफिनेशन बन गई है, ठीक है। भौतिक विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया मुख्य रूप से, भौतिक विज्ञान को दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर एक स्थूल भौतिकी, ठीक है, और दूसरा हो गया सूक्ष्म भौतिकी। ठीक है, तो दो प्रकार की हो गई, स्थूल भौतिकी और ये सूक्ष्म भौतिकी। इसको कहते हैं मैक्रोफिजिक्स और इसको कहते हैं माइक्रोफिजिक्स। तो स्थूल भौतिकी है और ये सूक्ष्म भौतिकी है, इनके पार्ट भी चलेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या अध्ययन हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पहले नंबर की स्थूल भौतिकी, स्थूल भौतिकी के अंतर्गत मैंने लिख दिया यहाँ पर, स्थूल भौतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम, देखिए, एक पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंधित, ठीक है, एवं खगोलीय स्तर मतलब ब्रह्मांड से संबंधित की परिघटनाएं सम्मिलित होती हैं। स्थूल भौतिकी की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है? चिरसम्मत यांत्रिकी, मैकेनिकल फिजिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में, चिरसम्मत यांत्रिकी को कहते हैं मैकेनिकल फिजिक्स के आधार पर की जा सकती है। तो हमने यहाँ लिखा है स्थूल भौतिकी के अंतर्गत पार्थिव एवं खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित होती है। स्थूल भौतिकी की व्याख्या चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर की जा सकती है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले बात आती है यांत्रिकी मैकेनिकल फिजिक्स, ठीक है। इस विज्ञान में क्या करते हैं, देखिए, द्रव्य जैसे ठोस
द्रव व गैस आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, ठीक है, बल, आघूर्ण, त्वरण, संवेग आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये स्थिति है इसकी। तो यांत्रिकी में क्या होता है, इस विज्ञान में द्रव्य, ठोस, द्रव व गैस आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, इसमें बल, आघूर्ण अलग होता है, त्वरण, संवेग आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ये यांत्रिकी कहलाती है। दूसरा है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व इस विज्ञान के अंतर्गत आवेशित जिनको चार्ज कर सकते हैं तथा चुंबकीय वस्तुओं से संबंधित चुंबकीय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इस विज्ञान के अंतर्गत आवेशित तथा चुंबकीय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें गॉस नियम, एम्पियर नियम फैराडे के नियम कूलाम नियम आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा कि इस विज्ञान के अंतर्गत आवेशित चुंबकीय वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें गॉस नियम, एम्पियर नियम, फैराडे नियम, कूलाम नियम आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, विद्युत चुंबकत्व हो गया। अब हम तीसरा पार्ट ले रहे हैं इसका। तो तीसरा पार्ट क्या है, देखिए, देखो सी है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति कैसी है, ठीक है, एवं संचरण, प्रकाश की गति प्रकृति होती है, हमेशा ड्यूअल नेचर की प्रकृति होती है, एक कण के रूप की होती है और एक हमेशा तरंग के रूप की होती है। तो प्रकाश के प्रकृति एवं संचरण का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं संचरण का अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाती है। जैसे यहां लिख सकते हैं लेंसों एवं दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंस एवं दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है, ये और प्रकाश का प्रकीर्णन आदि घटनाएं आधारित है। तो मैंने कहा जैसे लेंसों एवं दर्पणों से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंसों और दर्पणों से प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा, ध्यान दें आप जो है 10th में पढ़ते आए होंगे। व्यतिकरण इसको पढ़ाया जाएगा 12th क्लास में,
विवर्तन ये भी 12th क्लास का टॉपिक है, प्रकाश में ही होता है। ध्रुवण ये भी प्रकाश में ही होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव ये भी प्रकाश की घटना है, ठीक है। वैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव ले सकते हैं, लेकिन चलो हटा देते हैं, ये कंफ्यूजन होगा और आपको जो क्या मतलब है। प्रकाश का प्रकीर्णन आदि घटनाएं आधारित है, तो ये सभी क्या है, प्रकाश के अंतर्गत आती है, ऑप्टिक्स के अंतर्गत आती है। तो ये हमने तीन पार्ट अभी बताए हैं, दो पार्ट और बताए हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। थैंक्स फॉर यू।